हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर प्लस में ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस में बी आर टू एंड माइनस थ्री। मतलब आपको जीरोज दी हुई हैं, कितनी, टू, और एक इसकी जीरो दी हुई है माइनस थ्री, ठीक है। और आपको क्या निकालना है इसमें, यानी कि ए और बी की वैल्यू निकालनी है। देन पूछ रहा है ना, देन ए ऑप्शन में ए इक्वल टू दिस होगा या बी इक्वल टू दिस होगा, ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो हमें यानी कि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें के की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। यहाँ ए की जगह क्या था, के था, और वहाँ एक ही वैल्यू निकालनी थी सिर्फ के की। यहाँ पर दो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ए की भी और बी की भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जीरोज भी हमें दो दी हुई हैं, तो देखो जरा किस तरीके से करेंगे। आपको पता है जब भी ऐसे जीरोज दी हो, कोई और वैल्यू निकालनी हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो जीरोज हैं, इसको जब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ये एक्स ही है, एक्स की वैल्यूज ही होती है ना, ये देखो अल्फ़ा और बीटा होते हैं ये, ठीक है, और टू होता है और ये इसमें माइनस थ्री हो गया। तो ये मतलब क्या है, एक्स की वैल्यूज़ हैं, यानी कि इक्वेशन में जब हम एक्स की वैल्यूज़ ये पुट करेंगे, ये चीज़ें तो समझते हो ना, जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक भी होती थी तो उसमें हमारे पास ये इस तरीके से आता था, एक्स माइनस टू बन गया और ये एक्स प्लस का थ्री बन गया, ठीक है। तो हम निकालते थे एक्स इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू जीरो करते थे जब, तो एक्स इक्वल टू क्या बन जाता था, माइनस थ्री बन जाता था। तो यही बनते थे, इन्हीं को हम अल्फ़ा बोल देते थे और बीटा बोल देते थे, ठीक है, जीरोज। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि जीरोज का मतलब क्या होता है कि एक्स की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने पे आंसर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यही होता है, ठीक है। तो देखो जरा इसमें, अब अगर हम यहाँ देखो ये पी ऑफ एक्स ले लें, कितना दिया है हमें ये, एक्स स्क्वेयर प्लस में ए प्लस वन इंटू में एक्स प्लस में बी। एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू हम अगर टू पुट करें, मतलब जो जीरोज दी हुई है हमारी, टू पुट करें, तो टू का स्क्वेयर प्लस में ए प्लस वन और एक्स कितना है, टू, और प्लस में बी, क्लियर। और ये इक्वल टू जीरो ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स की ये वो वैल्यू होगी जिसपे आंसर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब टू का स्क्वायर फोर प्लस में, और ये देखो टू इंटू ए टू ए प्लस में टू इंटू वन टू, और ये प्लस में बी इक्वल टू जीरो। तो ये देखो कितनी बन गई इक्वेशन हमारे पास, ये टू ए प्लस में और ये बी आ गया, और ये फोर प्लस टू सिक्स हो गया, और यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी टू ए प्लस में बी इक्वल टू में माइनस का सिक्स। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। इसे मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, क्या मान लिया हमने इसको, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आप क्या करो, जो दूसरी जीरो है हमारे पास गिवन, वो क्या है, माइनस का थ्री, तो माइनस थ्री पुट करो एक्स में, तो आंसर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो एक्स स्क्वेयर प्लस में ये इक्वेशन है हमारे पास, या पॉलिनोमियल गिवन है, बी इक्वल टू में जीरो होगा, क्यों होगा जीरो, क्योंकि ये एक्स की वो वैल्यू होगी जिस पे आंसर जीरो आएगा। तो एक्स कितना, माइनस का थ्री पुट करेंगे, तो देखो माइनस थ्री का स्क्वेयर प्लस में ए प्लस में वन और मल्टीप्लाई में माइनस का थ्री प्लस में बी इक्वल टू जीरो। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब देखो यहाँ से क्या हो सकता है, माइनस थ्री का स्क्वायर कितना होगा आपके पास, प्लस का नाइन, प्लस में ये देखो माइनस थ्री मल्टीप्लाई करो ए से, तो माइनस का थ्री ए, और प्लस माइनस ये माइनस हो गया, और थ्री इंटू वन इज थ्री, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया हमने अंदर ये, और बी इक्वल टू जीरो हो गया, ये प्लस में बी इक्वल टू जीरो। अब देखो ये नाइन प्लस माइनस माइनस का थ्री ए, और प्लस माइनस माइनस का ये कितना आ गया, थ्री, और प्लस में बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो आपके पास आ गया ये माइनस का थ्री ए प्लस का बी, ठीक है, माइनस का थ्री ए और ये प्लस का बी, और नाइन माइनस थ्री कितना होता है बताओ जरा जल्दी से, प्लस का सिक्स एंड इक्वल टू ये जीरो। तो ये कितना बन गया आपके पास, देखो माइनस का थ्री ए प्लस का बी इक्वल टू माइनस का सिक्स, ये बन गया सेकेंड इक्वेशन आपके पास, ठीक है। अब क्या करो, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करो किस मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड से। जैसे आपने देखा होगा एनसीईआरटी में जो चैप्टर थर्ड था, वहाँ पर क्या होता था, इस तरीके से होता था, यहाँ ए और बी की जगह क्या होता था, एक्स और वाई होता था, ठीक है ना। तो हम उसको कई सारे मेथड होते थे हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन सबसे सॉल्व करते थे, ठीक है, और एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। अब बस यहाँ पर एक्स और वाई की जगह क्या आ गया, ए और बी आ गया, तो एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर देते हैं और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो सॉल्व वन एंड टू बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो देखो अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस में b इक्वल टू में माइनस का 6, और सेकंड इक्वेशन है माइनस का 3a प्लस का b इक्वल टू में माइनस का 6। अब आपको ये पता है आपको क्या करना होता है इसमें, a वाली टर्म या फिर b वाली टर्म सेम बनानी होती है। जैसे मान लो अगर a वाली टर्म हमें सेम बनानी है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, माइनस 3 से, और नीचे वाली को किससे करेंगे, इसके फर्स्ट नंबर जो है ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब पता होगा अगर एलिमिनेशन आपको आता है, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बी वाली टर्म क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करके क्या होगा, देखो साइन चेंज होंगे, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। देखो बी से बी कैंसिल हो गया, एक प्लस का बी है, एक माइनस का बी है, ये एक माइनस का सिक्स, प्लस का सिक्स, ये भी कैंसिल, तो इधर आ गया जीरो,
और इधर देखो 2a और ये प्लस का 3a बन गया, कितना बना 5a। तो देखो a इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 0/5, यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये 0 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? a की वैल्यू तो पता चल गई, ठीक है। अब क्या करो, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड। तो हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, 2a प्लस में b इक्वल टू -6 है इक्वेशन, और 2 इंटू में a कितना है 0, तो ये 0 प्लस में b इक्वल टू -6। तो 2 इंटू 0 इज 0 प्लस का b इक्वल टू -6, तो यानी कि जो b है वो कितना आ गया आपके पास, माइनस का 6 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यानी कि जो आंसर है हमारा वो क्या है, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू माइनस का 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन देख लो जरा यहाँ, 0 और माइनस का 6, तो किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है। देखो a 0 b माइनस 6, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंसर में कौन सा ऑप्शन होगा, ये डी होगा। क्लियर है, समझ में आ रही होगी बात किस तरीके से करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। हैं बहुत ही सिंपल, बस आपको पता होना चाहिए कि करना कैसे है, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।